उज्जैन विकास प्राधिकरण ने अपनी बिकने से बची हुई प्रॉपर्टी को बेचने की कवायद पूरी कर ली है। जल्द ही मकानों और प्लॉटों की नीलामी टेंडर के माध्यम से की जाएगी। विगत 7-8 दिनों में विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी के निर्देश पर संपत्ति शाखा ने हाल के वर्षों में बिकने से रह गए आवासीय प्लॉट, भवन और कमर्शियल स्पेस की लिस्टिंग कर ली है। इस लिस्ट के माध्यम से प्राधिकरण को ये पता चल गया है कि कितनी प्रॉपर्टी को नीलामी में बेचा जा सकता है। सीईओ संदीप सोनी के अनुसार इस लिस्टिंग के पूरा होते ही 7-8 दिनों बाद इन प्रॉपर्टियों को टेंडर के माध्यम से बेचा जाएगा। जिन हितग्राहियों को विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी खरीदना है वे टेंडर के माध्यम से इनको खरीद पाएंगे। विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी के अनुसार विकास प्राधिकरण की कई प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए हैं, उन सभी को हटाने की कार्यवाही भी शुरू की जा रही है। साथ ही जिन हितग्राहियों ने आवासीय और कमर्शियल प्लॉट प्राधिकरण से अलॉट कराए हैं मगर इस पर निर्माण नहीं कराया है, ऐसे में उन लोगों के आवंटन भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभी यूडीए पिछले 5-7 दिनों से अपने जितने भी स्कीम्स हैं उन सभी स्कीम्स में जो खाली या तो हमारे रेजिडेंशियल हैं या कमर्शियल हैं, या तो उसे प्लॉटेड होगा या आपके मकान या प्रकोष्ठ बने होंगे, उसकी हमने लिस्टिंग कर ली है और आने वाले 8-10 दिनों में हम उसकी विज्ञप्ति टेंडर जारी करेंगे। देखिए TDS 3 और TDS 4 पर ऑलरेडी काम चल रहा है और वो प्रोसेस में है और मुझे लगता है कि आने वाले 6-8 महीनों में इसमें बहुत सारे काम आपको दिखेंगे। हो सकता है कि आने वाले 6-8 महीनों में से विकास कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये TDS 3 और TDS 4 दोनों प्रगति पर हैं। साथ में ये भी हमने अभी किया है कि जितने भी हमारे भूखंड हैं, जो भी प्रॉपर्टी सभी स्कीम्स में खाली हैं, उसका हम चिन्हांकन कर रहे हैं और चिन्हांकन करने के पश्चात ये लगातार शिकायतें मिलती हैं कि किन्हीं भूखंडों पर हमारे जो UDA की प्रॉपर्टी है उस पर लोगों ने अतिक्रमण किया है, तो उसको विधिवत हटवाने की कार्रवाई भी करेंगे।